हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मिसेस भाग्यश्री वानखेड़े फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर वेलकम्स यू ऑल फॉर द लेक्चर नंबर 4 लॉसेस इन मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ऑफ द सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मटेरियल हुज सब्जेक्ट कोड इज 22217. द विजन ऑफ द डिपार्टमेंट इज टू नर्चर प्रोफिशिएंट डिप्लोमा इंजीनियर्स टू मीट द नीड्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. To complete this vision, we have 5 mission statement. The first mission is imparting quality education for to meet society and industry need. Second one is provide ethical and outcome-based education for the development. Third is inculcating creative thinking through innovation and co- and extracurricular activities among students. Fourth one is enhance the leadership skill and employability or higher education. Fifth one is seeking continuous improvement of knowledge and skill. The program educational objective means after completion of your diploma, it is required to develop some qualities in student. So these PEO, PEO1 is provide socially responsible, environment friendly solutions to electronics and telecommunication engineering related broad-based problems, adapting professional ethics. Second PEO is adopt state-of-the-art electronics and telecommunication engineering broad-based technologies to work in multidisciplinary work environment. And third one is solve broad-based problems individually and as a team member communicating effectively in the world of work. The prerequisite knowledge, that is आज का टॉपिक कंप्लीट करने के पहले हमें कौन कौन से टॉपिक्स की जानकारी होना ज़रूरी है जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. दैट इज़ मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल के कॉन्सेप्ट, उसके बाद उनके एग्जांपल्स. हमने इसके पहले हम मैग्नेटाइजेशन कर्व भी पढ़ चुके हैं. इसके पहले हमने मैग्नेटाइजेशन कर्व के साथ साथ BH कर्व क्या होता है, और अब हम देखेंगे कि लॉसेस क्या होते हैं. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ये यूनिट नंबर 3 से बिलोंग करता है. इसके लिए यूनिट नंबर 3 का जो कोर्स आउटकम है, सिलेक्ट रेलेवेंट मैग्नेटिक मटेरियल फॉर स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, ये हम आज मैप करने वाले हैं हमारे 7 POs के साथ में. और यहाँ पे जो दिया गया है वो हमारा मैपिंग है. अब ये CO क्या इंडिकेट कर रहा है हमें कि हमारा ये टॉपिक यानी ये कंप्लीट यूनिट पढ़ने के बाद हमें कौन से एप्लीकेशन के लिए कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल सिलेक्ट करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी मिलेगी. लर्निंग आउटकम मीन्स आज का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमें कौन कौन से चीज़ों का नॉलेज मिलने वाला है. तो परमियाबिलिटी और क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस पर अफेक्ट करते हैं, इसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल के लॉसेस कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे अवॉइड किया जाता है या रिड्यूस किया जाता है. सो सबसे पहले हम परमियाबिलिटी की डेफिनेशन देखेंगे. परमियाबिलिटी यानी अभी हम मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक मटेरियल की मेन एबिलिटी क्या होती है कि उसकी कैपेसिटी क्या होती है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, लाइंस है ना, लाइन ऑफ फोर्सेस फ्लोइंग थ्रू द मैग्नेटिक मटेरियल, तो वो कितने मैग्नेटिक फ्लक्स को कंडक्ट कर सकता है एक मैग्नेटिक मटेरियल, उसी को कहा जाता है उसकी परमियाबिलिटी. द कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल टू कंडक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज परमियाबिलिटी. इट इज़ इक्विवेलेंट टू द परमिटिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल. इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन अ मीडियम टू द मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी एट द सेम लोकेशन इन द मीडियम. अब हमने देखा मैग्नेटिक मटेरियल में BH कर्व है ना, तो B का मतलब होता है फ्लक्स डेंसिटी और H का मतलब होता है फील्ड इंटेंसिटी, या हम उसको कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज़ H. तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जिस मीडियम में हम मैग्नेटिज्म जनरेट कर रहे हैं तो उस लोकेशन में इन दोनों का जो रेशो है B अपॉन H, दैट इज़ कॉल्ड एज द परमियाबिलिटी. तो परमियाबिलिटी पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं यानी इस पर कौन कौन से चीज़ों का असर होता है. सो फिजिकल कंडीशन एंड केमिकल प्योरिटी ऑफ द सैम्पल, यानी उस मटेरियल की फिजिकल कंडीशन क्या है, वो अच्छी कंडीशन में है या बुरी कंडीशन में है, या टूटा है या स्ट्रांग है या कंटिन्यू है या ब्रेक है, या उसकी केमिकल प्योरिटी. केमिकल प्योरिटी का मतलब उसको जब भी बनाया गया है तो उसको कौन से मटेरियल से बनाया गया है, कुछ इम्प्योरिटी तो नहीं है उसमें. इसके बाद इंटरनल स्ट्रेन ऑफ द डोमेन, यानी उसका इंटरनल स्ट्रेंथ कितना है,
उसको थोड़ा सा खींचने के बाद वो टूट तो नहीं रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेन। इसके बाद इम्प्योरिटी कंटेंट ऑफ द मटेरियल, मटेरियल में जिस भी मटेरियल से हमने मैग्नेटिक मटेरियल बनाया हुआ है उसका इम्प्योरिटी कितनी है, उसमें ज़्यादा इम्प्योरिटी है तो फिर मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या हो सकती है, या कम इम्प्योरिटी है तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी कैसी होनी चाहिए। सो इन सभी फैक्टर्स पे परमेबिलिटी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, द मेन इम्प्योरिटीज़ इन द मैग्नेटिक मटेरियल यूज फॉर ट्रांसफॉर्मर कोर एंड इलेक्ट्रिकल मशीनरी आर कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इनको मेन इम्प्योरिटीज़ के तौर पे यूज़ किया जाता है जब जब भी ट्रांसफॉर्मर बनाया जाता है या इलेक्ट्रिकल कोई मशीनरीज बनाई जाती है, तो इम्प्योरिटी के तौर पे किसको कंसिडर किया जाता है, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को। अब देखिए टाइप्स ऑफ लॉसेस, तो कोई भी नई एनर्जी जब जनरेट होती है तो उसमें उस एनर्जी का लॉस भी होता है। सो वैसे ही मैग्नेटिक में मैग्नेटिज्म जब जनरेट होगा तो भी कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी लॉस होगी। तो फिर हमने मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिज्म जनरेट किया है, तो मैग्नेटिक मटेरियल से कौन कौन से टाइप के लॉसेस हो सकते हैं ये अभी हमें पढ़ना है। सो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ लॉसेस। पहला लॉस है हिस्टेरेसिस लॉस। तो हिस्टेरेसिस लॉस से ही आपको पता चलेगा कि जब हमने हिस्टेरेसिस की लूप पढ़ी थी, है ना, एक लूप कंप्लीट होने के लिए कुछ एनर्जी ज़रूरी होती है तो मैग्नेटाइज होने के लिए, तो उतनी ही एनर्जी डीमैग्नेटाइज होने के लिए भी लगती है। तो उस प्रोसेस में जो लॉस होता है एनर्जी का, उसको हम हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। उसके बाद एडी करंट लॉस, अब ये थोड़ा सा नया वर्ड है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ जब ये टॉपिक आता है। इसके बाद में लास्ट वन इज़ कोर लॉस और आयरन लॉस। तो ये जो हिस्टेरेसिस लॉस है इसको अभी हम देखते हैं कि कोई भी फ्री स्पेस हो या एयर है या फ्री स्पेस है, उसमें अगर हमें कोई मैग्नेटिज्म जनरेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है, तो एक पर्टिकुलर एनर्जी हमको ज़रूरत रहेगी। फिर उस एनर्जी को हम कहाँ स्टोर करके रखेंगे, वो एनर्जी को हम कोई मैग्नेटिक सर्किट में स्टोर करके रखते हैं। लेकिन जब जब भी हमारा मैग्नेटाइजेशन कम हो जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाएगा। मैग्नेटाइजेशन जैसे ही हम डीमैग्नेटाइज होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा क्या होता है, कोलैप्स होता है। कोलैप्स का मतलब उसकी वैल्यू भी एकदम से सडनली ज़ीरो हो जाती है। तो वो जो एनर्जी है जिसने मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया था वो भी कम होना शुरू हो जाती है, और वो किस फॉर्म में कम होना शुरू हो जाती है, हीट के फॉर्म में। इसीलिए वो एनर्जी जो है वो भी हमारी लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, स्पेशली जब वो मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो इस लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड एज हिस्टेरेसिस लॉस। अब हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है वो इक्वल होता है उस एनर्जी के जितना जो हमको ज़रूरत होती है मैग्नेटाइज करने के लिए और एट द सेम टाइम डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो उसका एक फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पे, हिस्टेरेसिस लॉस इज इक्वल टू बी एच ए एफ डिवाइडेड बाई 4 पाई। अब बी का मतलब है फ्लक्स डेंसिटी, एच एन ए मैग्नेटाइजिंग फोर्स दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, ए एन ए एरिया ऑफ द लूप, जो हमने मैग्नेटाइजेशन का एक लूप पढ़ा था है ना, कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी वाला, तो उसमें जो जितना एरिया उस लूप ने इनक्लोज किया है दैट इज़ द एरिया ऑफ द लूप, और एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑपरेशन, वो कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, इसका मतलब उससे हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको डिवाइड बाय 4 पाई। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द हिस्टेरेसिस लॉस। नाउ नेक्स्ट लॉस इज एडी करंट लॉस। अब यहाँ पे एडी करंट लॉस को समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये कोर है, ठीक है। कोर का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर में हम कोई कॉइल वाउंड करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आपकी एक उंगली है और आपके एक उंगली पे अगर आपने कॉपर का वायर वाउंड किया हुआ है तो आपकी उंगली बन जाएगी कोर, और जो कॉपर का वायर आपने वाउंड किया है उसको हम कहेंगे कॉइल, है ना, सर्कुलर मैनर में हमने कॉइल। तो आपकी उंगली का मतलब क्या हो गया, वो कोर। तो यहाँ पे कोर का मतलब क्या होता है, कोई भी एक मटेरियल जिसके ऊपर पे कॉइल को लपेटा जाता है या कॉइल को वाउंड किया जाता है। तो दिस इज़ द मटेरियल, ये इस शेप में दिया गया एक मटेरियल, तो इस ये अलग अलग शेप में अवेलेबल है। तो ये शेप पे जो कॉइल को हमने वाउंड किया हुआ है, तो दिस इज़ कॉइल एंड दिस इज़ द कोर ऑफ द दैट मटेरियल। तो अभी क्या होता है,
सपोज इस कॉइल में से अगर हमने एक एसी करंट पास किया कर दिया, अब देखिए आप, दिस इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि एडी करंट लॉस को समझने के लिए हमको ये डायग्राम आंखों के सामने रखनी होगी, ये जो डायग्राम है, और इसके बाद में मैं जो भी बात बता रही हूँ आप लोगों को उसमें से हमको करना है। जैसे अगर हमने इस कॉइल में से एसी करंट पास कर दिया, तो एसी करंट की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें क्या जनरेट होना शुरू हो जाता है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होना शुरू जाता है, और इस अल्टरनेटिंग फ्लक्स की वजह से इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट होता है। अब ये ईएमएफ का मतलब होता है वोल्टेज, ये कॉइल में अगर एक वोल्टेज जनरेट हो गया तो इस वोल्टेज की वजह से ये जो कोर है इस कोर में भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। अभी तक कोर में कोई करंट नहीं था, करंट कहाँ पे था, सिर्फ कॉइल में था, लेकिन कॉइल में जो करंट फ्लो होता है उसकी वजह से कॉइल में एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है, इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं उसको, और इस ईएमएफ यानी वोल्टेज की वजह से इस कोर में से भी एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। और जब जब भी कोई बॉडी में से या कोर में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है तो इस कोर का खुद का एक रेजिस्टेंस है ना, और रेजिस्टेंस इनटू करंट अगर हम करते हैं तो वहाँ पे हीट या पावर जनरेट होता है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला है आई स्क्वेयर आर। तो ये जो पावर है ये इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी वो कोर गर्म होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्योंकि वो खुद मटेरियल गर्म हो रहा है, तो इसी को कहा जाता है एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स कारणीभूत, यानी हम बोल सकते हैं कौन कौन से फैक्टर्स है या जो अफेक्ट करते हैं एडी करंट पे, तो वो पहला है थिकनेस ऑफ द लैमिनेशन, यानी कोर जिस मटेरियल से बना है उसका थिकनेस पे डिपेंड करता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, कितने फ्रीक्वेंसी से या स्पीड से हम उसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं। उसके बाद मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, कितनी फ्लक्स एक पर्टिकुलर वन यूनिट एरिया में फ्लो हो रही है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, इसके बाद रेजिस्टिविटी एंड कंपोजिशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। हर मैग्नेटिक मटेरियल का खुद का रेजिस्टेंस होगा, तो उसकी रेजिस्टिविटी पर्टिकुलर कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। अब देखिए इस एडी करंट लॉस को अगर हमें रिड्यूस करना है तो ये वाला डायग्राम में आप अगर देख सकते हैं तो ये जो मटेरियल बना हुआ है कोर, ये कंटिन्यूएशन में बना हुआ है, यानी एक पर्टिकुलर एक कंप्लीट रॉड, लेकिन इसको अगर हमें कम करना है तो कोर को कैसे बनाया जाता है, अलग अलग फ्रेम्स, ये एक फ्रेम है, ऐसी ही दूसरी फ्रेम है, ऐसी ही तीसरी फ्रेम है, और ये सभी फ्रेम्स को एक साथ जॉइन किया जाता है और लैमिनेट किया जाता है। लैमिनेशन का मतलब ये एक दूसरे के साथ जॉइन तो रहेगी लेकिन इसके बीच में कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल का लेयर दिया जाएगा, जैसे थीन लेयर ऑफ वार्निश या ऑक्साइड कोटिंग ऑफ पेपर, जिसकी वजह से इसका करंट पहले वाले लेयर का करंट दूसरे में नहीं आएगा, दूसरे का लेयर का करंट तीसरे में नहीं आएगा, इसकी वजह से कंटिन्यू बॉडी में करंट फ्लो नहीं होगा और उसकी वजह से एडी करंट लॉस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, कोर इज मेड अप फ्रॉम द इंसुलेटेड थीन आयरन शीट्स कॉल्ड एज लैमिनेशन। अगर हम आयरन की बहुत पतली वाली शीट्स लेते हैं तो उसको कहा जाता है लैमिनेशन। और लैमिनेशन कैसे किया जाता है, लैमिनेशंस आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय मीन्स ऑफ थीन लेयर ऑफ वार्निश और ऑक्साइड कोटिंग। तो ये जो शीट्स है उनको जॉइन तो किया जाता है लेकिन हर दो शीट के बीच में वार्निश पेंट किया जाता है या ऑक्साइड की कोटिंग ऑफ पेपर रखा जाता है, सो दैट वो डिसकनेक्टेड रहे एक दूसरे से और उसमें से कंटिन्यूएशन में करंट फ्लो ना हो सके। अब तीसरा जो लॉस है दैट इज़ वेरी इजी लॉस, आयरन लॉस, और उसको कहा जाता है कोर लॉस। तो जो अभी तक के हमने दो लॉसेस देखे हैं, एक हिस्टेरेसिस लॉस और एक एडी करंट लॉस, इन दोनों का जो भी एडिशन होगा सम होगा उस टोटल को कहा जाता है आयरन लॉस या कोर लॉस। द टोटल पावर लॉस टेकिंग प्लेस इन अ कोर ड्यू टू एडी करंट्स एंड हिस्टेरेसिस इज कॉल्ड एज आयरन लॉस। तो इसकी वजह से इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, इट रिड्यूसेस द इफिशियंसी ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट का एफिशिएंसी कम करना, यानी उसका काम करने की जो क्षमता होती है उसको ये लॉसेस कम कर देते हैं। इट प्रोड्यूसेस अनडिजायरेबल हीट बिकॉज ऑफ दिस लॉसेस, क्योंकि ये सारे लॉसेस इन द फॉर्म ऑफ हीट होते हैं,
तो अनवांटेड हीट को जनरेट करते हैं। तो इनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? अगर हमने मैग्नेट को लो फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट किया, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं तो ज़्यादा हीट जनरेट होती है, लो फ्रिक्वेंसी पे करेंगे तो हीट कम होगी। रिड्यूस द वर्किंग फ्लक्स डेंसिटी, यानी एक एरिया, एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया से अगर 100 फ्लक्स लाइंस पास हो रही है तो उनको थोड़ा सा कम कर देते हैं अगर हम, तो कम करने का मतलब अगर हम उसमें से कम करंट पास करते हैं तो फ्लक्स डेंसिटी भी कम हो जाएगी। यूज़ मैग्नेटिक मटेरियल्स हैविंग नैरो हिस्टेरेसिस लूप एंड लो हिस्टेरेसिस कोएफिशिएंट, वाइड वाला नहीं, लूप का एरिया बड़ा हो गया तो ज़्यादा लॉस होगा, लूप का एरिया अगर कम है तो कम लॉस होगा। यूज़ लैमिनेटेड कोर्स टू रिड्यूस द एडी करंट लूप, यानी लैमिनेटेड कोर्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा एडी करंट लॉस कम हो जाता है। सो वी कैन समराइज दिस टॉपिक कि हमने क्या क्या पढ़े हैं। परमियाबिलिटी पढ़ा हमने, उसके बाद में नंबर ऑफ लॉसेस कितने होते हैं ये देखा, हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस, उसके बाद टोटल आयरन लॉस या कोर लॉस, उसके बाद हम कैसे उनको रिड्यूस कर सकते हैं ये भी हमने देखा। सो इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो रिलेटेड टू मैग्नेटिक मटेरियल है, उनका क्या मतलब होता है, उनके क्या फॉर्मूलेज है और उनको कैसे डिफाइन किया जाता है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।